नमस्कार, मैं अनीता आप सभी का इस कथा पटल पर हार्दिक स्वागत करती हूं। और आज के अंक में प्रस्तुत है निर्मल वर्मा की कहानी एक दिन का मेहमान। क्या होता है उन घरों में जहां पिता और पति सिर्फ एक दिन या कुछ घंटों के मेहमान बनकर ही आ पाते हैं। क्या इस बार लड़की अपने पिता को घर में रोक सकेगी? पिता या पति में से कौन सा रिश्ता बचा रह सकेगा? जानने के लिए आइए सुने एक दिन का मेहमान। उसने अपना सूटकेस दरवाजे के आगे रख दिया, घंटी का बटन दबाया और प्रतीक्षा करने लगा। मकान चुप था, कोई हलचल नहीं। एक क्षण के लिए भ्रम हुआ कि घर में कोई नहीं है और वह खाली मकान के आगे खड़ा है। उसने रुमाल निकालकर पसीना पोंछा, अपना एयरबैग सूटकेस पर रख दिया, दोबारा बटन दबाया और दरवाजे से कान सटाकर सुनने लगा। बरामदे के पीछे कोई खुली खिड़की हवा में हिचकोले खा रही थी। वह पीछे हटकर ऊपर देखने लगा। दुमंजिला मकान था, लेन के अन्य मकानों की तरह। ऊपर की खिड़कियां बंद थीं और पर्दे गिरे थे। कहां जा सकते हैं इस वक्त? वह मकान के पिछवाड़े गया। वही लॉन, फेंस और झाड़ियां थीं जो उसने 2 साल पहले देखी थी। गैराज खुला और खाली पड़ा था। कहीं कार लेकर गए थे। संभव है उन्होंने सारी सुबह उसकी प्रतीक्षा की हो और अब किसी काम से बाहर चले गए हों। लेकिन दरवाजे पर उसके लिए एक चिट तो छोड़ ही सकते थे। वह दोबारा सामने के दरवाजे पर लौट आया। अगस्त की चुनचुनाती धूप उसकी आंखों पर पड़ रही थी। वह बरामदे में ही अपने सूटकेस पर बैठ गया। अचानक उसे लगा सड़क के पार मकानों की खिड़कियों से कुछ चेहरे बाहर झांक रहे हैं, उसे देख रहे हैं। उसने सुना था अंग्रेज लोग दूसरों की निजी चिंताओं में दखल नहीं देते। लेकिन वह मकान के बाहर बरामदे में बैठा था जहां प्राइवेसी का कोई मतलब नहीं था, इसलिए वे निसंकोच उसे घूर रहे थे। लेकिन शायद उसके कौतूहल का एक दूसरा कारण था। उस छोटे अंग्रेजी कस्बाती शहर में लगभग सब एक दूसरे को पहचानते थे और वह न केवल अपनी शक्ल सूरत में बल्कि झूलते झालते हिंदुस्तानी सूट में काफी अद्भुत प्राणी दिखाई दे रहा होगा। उसकी तुड़ी मुड़ी वेशभूषा, गर्द और पसीने में लथपथ चेहरे से कोई यह अनुमान भी नहीं लगा सकता कि अभी 3 दिन पहले फ्रैंकफर्ट की कॉन्फ्रेंस में उसने पेपर पढ़ा था। मैं एक लुटा पिटा एशियन इमिग्रेंट दिखाई दे रहा हूंगा, उसने सोचा और अचानक खड़ा हो गया, मानो खड़ा होकर प्रतीक्षा करना ज्यादा आसान हो। इस बार बिना सोचे समझे उसने दरवाजा जोर से खटखटाया और तत्काल हकबकाकर पीछे हट गया। हाथ लगते ही दरवाजा खट्टे से खुल गया। जीने पर पैरों की आवाज सुनाई दी और दूसरे ही क्षण वह चौखट पर उसके सामने खड़ी थी। वह भागते हुए सीढ़ियां नीचे उतर कर आई थी और उससे चिपट गई थी। इससे पहले वह पूछता, क्या तुम भीतर थी? उसने अपने धूल भरे लस्तम पस्तम हाथों से उसके दुबले कंधों को पकड़ लिया और लड़की का सिर नीचे झुकाया। उसने अपना मुंह उसके बालों पर रख दिया। पड़ोसियों ने एक एक करके अपनी खिड़कियां बंद कर दी। लड़की ने धीरे से उसे अपने से अलग कर दिया। बाहर कब से खड़े थे? पिछले 2 साल से। वाह, लड़की हंसने लगी। मैंने 2 बार घंटी बजाई, तुम लोग कहां थे? घंटी खराब है इसलिए मैंने दरवाजा खुला छोड़ दिया था। तुम्हें मुझे फोन पर बताना चाहिए था ना, मैं पिछले 1 घंटे से आगे पीछे दौड़ रहा था। मैं तुम्हें बताने वाली थी लेकिन बीच में लाइन कट गई। तुमने और पैसे क्यों नहीं डाले? मेरे पास सिर्फ 10 पैसे थे। वह औरत काफी चुड़ैल थी। लड़की ने उसका बैग उठाया। कौन औरत? वही जिसने हमें बीच में काट दिया। आदमी अपना सूटकेस बीच ड्राइंग रूम में घसीट लाया। लड़की उत्सुकता से बैग के भीतर झांक रही थी। सिगरेट के पैकेट, स्कॉच की लंबी बोतल, चॉकलेट के बंडल, वे सारी चीजें जो उसने इतनी हड़बड़ी में फ्रैंकफर्ट के एयरपोर्ट पर ड्यूटी फ्री शॉप से खरीदी थी, अब बैग से ऊपर झांक रही थी।
आदमी ने पहली बार चैन से लड़की का चेहरा देखा। तुमने अपने बाल कटवा लिए? हाँ, सिर्फ छुट्टियों के लिए। कैसे लगते हैं? अगर तुम मेरी बेटी नहीं होती तो मैं समझता कि कोई लफंगा घर में घुस आया है। ओह पापा, लड़की ने हंसते हुए बैग से चॉकलेट निकाली, रैपर खोला और फिर उसके आगे बढ़ा दी। स्विस चॉकलेट, उसने उसे हवा में डुलाते हुए कहा। मेरे लिए एक गिलास पानी ला सकती हो? ठहरो, मैं चाय बनाती हूँ। चाय बाद में। वह अपने कोट की अंदरूनी जेब में कुछ टटोलने लगा। नोटबुक, वॉलेट, पासपोर्ट, सब चीजें बाहर निकल आई और अंत में उसे टेबलेट्स की डिब्बी मिली जिसे वह ढूंढ रहा था। लड़की पानी का ग्लास लेकर आई तो उससे पूछा, कैसी दवाई है? जर्मन, बहुत असर करती है। उसने टेबलेट पानी के साथ निगल ली और फिर सोफे पर बैठ गया। सब कुछ वैसा ही था जैसा उसने सोचा था। वही कमरा, शीशे का दरवाजा, खुले हुए पर्दों के बीच वही चौकोर हरे रुमाल जैसा लॉन, टीवी के स्क्रीन पर उड़ती पक्षियों की छाया जो बाहर उड़ते थे और भीतर होने का भ्रम देते थे। वह किचन की देहरी पर आया। गैस के चूल्हों के पीछे लड़की की पीठ दिखाई दे रही थी। कॉर्ड्राय की काली जींस और सफेद कमीज जिसकी मुड़ी स्लीव्स बाहों की कुहनियों पर झूल रही थी। वह बहुत हल्की छुई मुई सी दिखाई दे रही थी। ममा कहाँ है? उसने पूछा। शायद उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि लड़की ने उसे नहीं सुना, किंतु उसे लगा जैसे लड़की की गर्दन कुछ ऊपर उठी थी। ममा क्या ऊपर है? उसने दोबारा कहा और लड़की वैसे ही निश्चल खड़ी रही और तब उसे लगा कि उसने पहली बार भी प्रश्न को सुन लिया था। उसने पूछा, क्या बाहर गई हैं? लड़की ने बहुत धीरे से सिर हिलाया जिसका मतलब कुछ भी हो सकता था। पापा, तुम कुछ मेरी मदद करोगे? वह लपक कर किचन में चला गया। बताओ क्या काम है? तुम चाय की केतली लेकर भीतर जाओ, मैं अभी आती हूँ। बस, अच्छा, प्याले और प्लेटें भी लेते जाओ। वह सब चीजें लेकर भीतर कमरे में चला आया। वह दोबारा किचन में जाना चाहता था लेकिन लड़की के डर से वह वहीं सोफे पर बैठा रहा। किचन से कुछ तलने की खुशबू आ रही थी। लड़की उसके लिए कुछ बना रही थी और वह उसकी कोई भी मदद नहीं कर पा रहा था। एक बार इच्छा हुई किचन में जाकर मना कराए कि वह कुछ नहीं खाएगा, किंतु दूसरे क्षण भूख ने उसे पकड़ लिया। सुबह से उसने कुछ नहीं खाया था और सच पूछा जाए तो उसने अंतिम खाना कल शाम फ्रैंकफर्ट के एयरपोर्ट में खाया था और जब रात को लंदन पहुंचा था तो अपने होटल के बार में पीता रहा था। तीसरे ग्लास के बाद उसने जेब से नोटबुक निकाली, नंबर देखा और बार के टेलीफोन बूथ में जाकर फोन मिलाया था। पहली बार में पता नहीं चला उसकी पत्नी की आवाज है या बच्चे की। उसकी पत्नी ने फोन उठाया होगा क्योंकि कुछ देर तक फोन का सन्नाटा उसके कान में झनझनाता रहा। वह फोन नीचे रखना चाहता था किंतु उसी समय उसे बच्ची का स्वर सुनाई दिया। वह आधी नींद में थी। उसे कुछ देर तक पता ही नहीं चला कि वह इंडिया से बोल रहा है या फ्रैंकफर्ट से या लंदन से। वह उसे अपनी स्थिति समझा ही रहा था कि 3 मिनट खत्म हो गए और उसके पास इतनी चेंज नहीं थी कि वह लाइन को कटने से बचा सके। तसल्ली सिर्फ इतनी सी थी कि वह नींद, घबराहट और नशे के बीच यह बताने में सफल हो गया कि वह कल उनके शहर पहुंच रहा है। कल यानी आज। वे अच्छे क्षण थे। बाहर इंग्लैंड की पीली और मुलायम धूप फैली थी। वह घर के भीतर था। उसके भीतर गर्माई की लहरें उठने लगी थी। हवाई अड्डों की भाग दौड़, होटलों की हील हुज्जत, ट्रेन टैक्सियों की हड़बड़ाहट, वह सबसे परे हो गया था। वह घर के भीतर था। उसका अपना घर न सही, फिर भी एक घर। कुर्सियां, पर्दे, सोफा, टीवी। वह अरसे से इन चीजों के बीच रहा था और हर चीज के इतिहास को जानता था। हर 2-3 साल बाद जब वह आता था तो सोचता था, बच्ची कितनी बड़ी हो गई होगी और पत्नी, वह कितनी बदल गई होगी। लेकिन ये चीजें उस दिन से एक जगह ठहरी थी जिस दिन उसने घर छोड़ा था। वे उसके साथ चली आती थी, उसके साथ लौट आती थी। पापा, तुमने चाय नहीं डाली? मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। चाय डालो, नहीं तो बिल्कुल ठंडी हो जाएगी। वह उसके साथ सोफे पर बैठ गई।
टीवी खोल दूं? देखोगे? अभी नहीं। सुनो, तुम्हें मेरे स्टैम्प्स मिल गए थे? हाँ पापा, थैंक्स। वह टोस्ट पर मक्खन लगाने लगी। लेकिन तुमने चिट्ठी एक भी नहीं लिखी। मैंने एक लिखी थी, लेकिन जब तुम्हारा टेलीग्राम आया तो मैंने सोचा अब तुम आ रहे हो तो चिट्ठी भेजने की क्या जरूरत। तुम सचमुच गागा हो। लड़की ने उसकी तरफ देखा और हंसने लगी। यह उसका चिढ़ाऊ नाम था जो उसके पिता ने बरसों पहले उसे दिया था। जब वह उसके साथ घर में रहता था वह बहुत छोटी थी और उसने हिंदुस्तान का नाम भी नहीं सुना था। बच्ची की हंसी का फायदा उठाते हुए वह उसके पास झुकाया, जैसे कोई चंचल चिड़िया हो जिसे केवल सुरक्षा के भ्रामक क्षण में ही पकड़ा जा सकता है। मम्मी कब लौटेंगी? प्रश्न इतना अचानक था कि लड़की झूठ नहीं बोल सकी। वह तो ऊपर कमरे में है। ऊपर? लेकिन तुमने तो कहा था। वह चाकू से जले हुए टोस्ट को कुरेद रही थी, मगर उसके साथ साथ वह उसके प्रश्न को भी काट डालना चाहती हो। हंसी अब भी थी, लेकिन अब वह बर्फ में जमे कीड़े की तरह उसके होठों पर चिपकी थी। क्या उन्हें मालूम है कि मैं यहाँ हूँ? लड़की ने टोस्ट पर मक्खन लगाया, फिर जैम उसके आगे रख दी। हाँ, उन्हें मालूम है। तो क्या वह नीचे आकर हमारे साथ चाय नहीं पियेंगे? लड़की दूसरी प्लेट पर सॉसेस सजाने लगी। उसे फिर कुछ याद आया। वह रसोई में गई और केचप की बोतलें ले आई। उसने लड़की की तरफ देखा। मैं ऊपर जाकर पूछता हूँ। जैसे उसने अपनी कार्यवाही का समर्थन पाना चाहता हो। पर जब वह कुछ नहीं बोली तो वह जीने की तरफ जाने लगा। प्लीज पापा। उसकी पांव ठिठक गए। लड़की ने कुछ गुस्से में उसे देखा। आप फिर उनसे लड़ना चाहते हैं? लड़ना? वह शर्म से भीगा हुआ हंसने लगा। मैं यहां 2000 मील उनसे लड़ने आया हूं? फिर आप मेरे पास बैठिए। लड़की का स्वर भरा हुआ था, उसकी भूख उड़ गई थी, लेकिन लड़की की आंखें उस पर थीं। वह उसे देख रही थी और कुछ सोच रही थी। कभी कभी टोस्ट का एक टुकड़ा मुंह में डाल लेती और फिर चाय पीने लगती, फिर उसकी ओर देखती, चुपचाप चुपचाप मुस्कुराने लगती, उसे दिलासा सी देती कि सब कुछ ठीक है, तुम्हारी जिम्मेदारी मुझ पर है और जब तक मैं हूं डरने की जरूरत नहीं है। डर नहीं था, टेबलेट का असर रहा होगा या यात्रा की थकान। वह कुछ देर के लिए लड़की की निगाहों से हटना चाहता था, अपने को हटाना चाहता था। मैं अभी आता हूं, उसने कहा। लड़की ने सशंकित आंखों से उसे देखा। क्या बाथरूम जाएंगे? वह उसके साथ साथ गुसलखाने तक चली आई और जब उसने दरवाजा बंद कर लिया तो भी उसे लगता रहा वह दरवाजे के पीछे खड़ी है। उसने बेसिन में अपना मुंह डाल दिया और नल खोल लिया। पानी झरझर उसके चेहरे पर बहने लगा। वह सिसकने लगा। आधे बने हुए शब्द उसकी छाती के खोखल से बाहर निकलने लगे जैसे भीतर जमी काई उलट रहा हो, उल्टी जो सीधे दिल से बाहर आती है। वह टेबलेट जो कुछ देर पहले खाई थी पीले चूरे सी बेसिन के संगमरमर पर तैर रही थी। फिर उसने नल बंद कर दिया, रुमाल निकालकर मुंह पोछा। बाथरूम की खूंटी पर स्त्री के मैले कपड़े टंगे थे। वह जल्दी से बाथरूम का दरवाजा बंद कर कमरे में चला आया। सारे घर में सन्नाटा था। वह किचन में आया तो लड़की दिखाई नहीं दी। वह ड्राइंग रूम में लौटा, वह भी खाली पड़ा था। उसे संदेह हुआ कि वह ऊपर वाले कमरे में अपनी माँ के पास बैठी है। एक अजीब आतंक ने उसे पकड़ लिया। घर जितना शांत था उतना ही खतरे से अटा जान पड़ा। वह कोने में गया जहां उसका सूटकेस रखा था। वह जल्दी जल्दी उसे खोलने लगा। उसने अपने कॉन्फ्रेंस के नोट्स और कागज अलग किए और उनके नीचे से वह सारा सामान निकालने लगा जो वह दिल्ली से अपने साथ लाया था। एम्पोरियम का राजस्थानी लहंगा, पश्मीने की कश्मीरी शॉल, एक लाल गुजराती जरीदार स्लीपर जिसे बच्ची और माँ दोनों पहन सकते थे, हैंडलूम के बेड कवर, हिंदुस्तानी टिकटों का एल्बम और एक बहुत बड़ी सचित्र किताब, बनारस द इटर्नल सिटी। फर्श पर धीरे धीरे एक छोटा सा हिंदुस्तान जमा हो गया था जिसे वह हर बार यूरोप आते समय अपने साथ धो लाता था। सहसा उसके हाथ ठिठक गए।
वह कुछ देर तक चीजों के ढेर को देखता रहा। कमरे के फर्श पर बिखरी हुई वे बिल्कुल अनाथ और दयनीय दिखाई दे रही थी। एक पागल इच्छा हुई कि वह उन्हें कमरे में जैसे का तैसा छोड़कर भाग खड़ा हो। किसी को पता भी नहीं चलेगा वह कहां चला गया। लड़की थोड़ा बहुत जरूर हैरान होगी, किंतु बरसों वह उससे ऐसे ही अचानक मिलती रही थी और बिना कारण बिछड़ती रही थी। यू आर कमिंग एंड गोइंग मैन, वह उससे कहा करते थे, पहले विषाद में और बाद में कुछ कुछ हंसी में। उसे कमरे में न बैठा देखकर लड़की को ज्यादा सदमा नहीं पहुंचेगा। वह ऊपर जाएगी और माँ से कहेगी, अब तुम नीचे आ सकती हो। वह चले गए। फिर वे दोनों एक साथ नीचे आएंगी और उन्हें राहत मिलेगी कि अब इन दोनों के अलावा घर में कोई नहीं है। पापा, वह चौंक गया जैसे रंगे हाथों पकड़ा गया हो। खिसियानी सी मुस्कुराहट में लड़की को देखा। वह कमरे की चौखट पर खड़ी थी और खुले हुए सूटकेस को ऐसे देख रही थी जैसे कोई जादू की पिटारी हो जिसने अपने पेट से अचानक रंग बिरंगी चीजों को उगल दिया हो। लेकिन उसकी आंखों में कोई खुशी नहीं थी, एक शर्म सी थी। जब बच्चे अपने बड़ों को कोई ट्रिक करते हुए देखते हैं जिसका भेद उन्हें पहले से मालूम होता है, तो वे अपने संकोच को छिपाने के लिए कुछ ज्यादा ही उत्सुक हो जाते हैं। वह आदमी के सामने की कुर्सी पर बैठ गई। इतनी चीजें कैसे लाने दी, सुना है आजकल कस्टम वाले बहुत तंग करते हैं, आदमी ने उत्साह में आकर कहा। नहीं, इस बार उन्होंने कुछ नहीं कहा, शायद इसलिए कि मैं सीधे फ्रैंकफर्ट से आ रहा था। उन्हें सिर्फ एक चीज पर शक हुआ था। उसने मुस्कुराते हुए लड़की की ओर देखा। लड़की ने इस बार सच्ची उत्सुकता से पूछा, किस चीज पर? उसने अपने बैग से दालचीनी का डिब्बा निकाला और खोलकर मेज पर रख दिया। लड़की ने झिझकते हुए उठाए और सूंघने लगी, क्या है यह? उसने जिज्ञासा से आदमी को देखा। हाँ, वे भी इसी तरह सूंघ रहे थे। उन्हें डर था कि कहीं इसमें चरस गांजा तो नहीं है। हैश? क्या इसमें सचमुच हैश मिली है? खाकर देखो। लड़की ने कुछ मुंह में डाल दी और उन्हें चबाने लगी, फिर हलाट सी होकर सीसी सीसी करने लगी। आदमी ने कुछ घबरा कर कहा, थूक दो, किंतु लड़की ने उन्हें निगल लिया और छल छलाई आंखों से बाप को देखने लगी। तुम भी पागल हो, सब निगल बैठी। आदमी ने जल्दी से उसे पानी का ग्लास दिया जो वह उसके लिए लाई थी। मुझे पसंद है, लड़की ने जल्दी से पानी पिया और अपनी कमीज की मुड़ी हुई बाहों से आंखें पोछने लगी। फिर मुस्कुराते हुए आदमी की ओर देखा। आई लव इट, वह कई बातें सिर्फ आदमी का मन रखने के लिए करती थी। उनके बीच बहुत कम मोहलत रहती थी और वह उसके निकट पहुंचने के लिए ऐसे शॉर्टकट लेती थी जिसे दूसरे बच्चे महीनों में पार करते हैं। क्या उन्होंने भी इसे चक्कर देखा था, लड़की ने पूछा। नहीं, उनमें इतनी हिम्मत कहाँ थी। उन्होंने सिर्फ मेरा सूटकेस खोला, मेरे कागजों को उल्टा पुल्टा, और जब उन्हें पता चला कि मैं कॉन्फ्रेंस से आ रहा हूँ तो उन्होंने कहा, मिस्टर यू मे गो। क्या कहा उन्होंने, लड़की हंस रही थी। उन्होंने कहा, मिस्टर यू मे गो लाइक एन इंडियन क्रू। आदमी ने भेद भरी निगाहों से उसे देखा। क्या है यह, लड़की हंसती रही। जब वह बहुत छोटी थी और आदमी के साथ पार्क में घूमने जाती थी तो वे यह सिरफराग खेल खेलते थे। वह पेड़ की ओर देखकर पूछता था, ओ डियर इज देयर एनीथिंग टू सी, और लड़की चारों तरफ देखकर कहती थी, यस डियर देयर इज अ क्रो ओवर द ट्री। आदमी उसे विस्मय से देखता, क्या है यह, और वह वीडियो लास्ट में कहती, पोयम अ पोयम, बढ़ती हुई उम्र में छूटते बचपन की छाया सरक आई। पार्क की हवा, पेड़ और हंसी। वह बाप की उंगली पकड़कर सहसा एक ऐसी जगह गई जिसे वह मुद्दत पहले छोड़ चुकी थी, जो कभी कभार रात को सोते हुए सपनों में दिखाई दे जाती थी। मैं तुम्हारे लिए कुछ इंडियन सिक्के लाया था, तुमने पिछली बार कहा था ना, दिखाओ कहाँ है, लड़की ने कुछ जरूरत से ज्यादा ही ललकते हुए कहा। आदमी ने सलमे सितारों से जड़ी एक लाल थैली उठाई जिसे हिप्पी लोग अपने पासपोर्ट के लिए खरीदते थे। लड़की ने उसे हाथ से छीन लिया और हवा में झुलाने लगी। भीतर रखी चवन्निया अठन्निया चहचहाने लगी। फिर उसने थैली का मुंह खोला और सारे पैसों को मेज पर बिखेर दिया। हिंदुस्तान में क्या सब लोगों के पास ऐसे ही सिक्के होते हैं, वह हंसने लगा। तो
तो क्या सबके लिए अलग अलग बनेंगे? उसने आदमी को देखा, लेकिन गरीब लोग, मैंने एक रात टीवी में उन्हें देखा था। वह सिक्कों को भूल गई और कुछ असमंजस में फर्श पर बिखरी चीजों को देखने लगी। तब पहली बार आदमी को लगा वह लड़की जो उसके सामने बैठी है कोई दूसरी है। पहचान का फ्रेम वही है जो उसने 2 साल पहले देखा था, लेकिन बीच की तस्वीर बदल गई है। किंतु वह बदली नहीं थी, वह सिर्फ कहीं और चली गई थी। वे माँ बाप जो बच्चों के साथ हमेशा नहीं रहते, उन गोपनीय मंजिलों के बारे में कुछ नहीं जानते जो उनके अभाव की नींव पर ऊपर ही ऊपर बनती रहती है। लड़की अपने बचपन के बेसमेंट में जाकर ही पिता से मिल पाती थी, लेकिन कभी कभी उसे छोड़कर दूसरे कमरों में चली जाती थी जिसके बारे में आदमी को कुछ भी नहीं मालूम था। पापा, क्या मैं इन चीजों को समेट कर रख दूं? क्यों, इतनी जल्दी क्या है? नहीं, जल्दी नहीं, लेकिन मामा आकर देखेंगी तो? उसके स्वर में हल्की सी घबराहट थी, जैसे वह हवा में किसी अदृश्य खतरे को सूंघ रही हो। आदमी ने कुछ विस्मय से लड़की को देखा। आएंगी तो क्या? पापा, धीरे बोलो। लड़की ने ऊपर कमरे की ओर देखा। ऊपर सन्नाटा था, जैसे घर एक देह हो, दो में बटी हुई, जिसका एक हिस्सा सुन और निस्पंद पड़ा हो और दूसरे में वे दोनों बैठे थे। तब उसे भ्रम हुआ कि लड़की कठपुतली का नाटक कर रही है। ऊपर के धागे से बंधी हुई, जैसे वह खींचता है वैसे वह हिलती है, लेकिन वह न धागे को देख सकता है न उसे हिलाता है। वह उठ खड़ा हुआ। लड़की ने आतंकित होकर उसे देखा। आप कहां जा रहे हैं? वह नीचे नहीं आएंगे? लड़की ने कुछ खींच कर कहा। उन्हें मालूम है कि आप यहां हैं, इसलिए वह नहीं आना चाहती? नहीं, इसीलिए वे कभी भी आ सकती हैं। कैसे पागल हैं? इतनी छोटी सी बात को भी आप समझ नहीं सकते। आप बैठिए, मैं अभी इन सब चीजों को समेट लेती हूं। फर्श पर उकड़ू होकर बैठ गई। बड़ी सफाई से हर चीज उठाकर कोने में रखने लगी। मखमल की जूती, पश्मीने की शॉल, बेड कवर। उसकी पीठ पिता की ओर थी, किंतु वह उसके हाथ देख सकता था। पतले सांवले, बिल्कुल अपनी माँ की तरह, वैसे ही निसंग और ठंडे, जो उसकी लाई हुई चीजों को आत्मीयता से पकड़ते नहीं थे, सिर्फ अनमने भाव से अलग ठेल देते थे। वे एक ऐसी बच्ची के हाथ थे जिसने सिर्फ माँ के सीमित और सुरक्षित स्नेह को ही छूना सीखा था। अचानक लड़की के हाथ ठिठक गए। उसे लगा कोई दरवाजे की घंटी बजा रहा है, लेकिन दूसरे ही क्षण फोन का ध्यान आया। लड़की ने चीजें वैसे ही छोड़ दी और लपकते हुए सीढ़ियों के पास गई, फोन उठाया। एक क्षण तक कुछ सुनाई नहीं दिया, फिर वह चिल्लाई, मम्मी, आपका फोन। ऊपर का दरवाजा खुला, जीना हिलने लगा, कोई नीचे आ रहा था। फिर एक सिर लड़की के चेहरे पर झुका, गुथा हुआ जुड़ा और फोन के बीच एक पूरा चेहरा उभर आया। किसका है? औरत ने अपने लटकते हुए जोड़े को पीछे धकेल दिया और लड़की के हाथ से फोन खींच लिया। आदमी कुर्सी से उठा। लड़की ने उसकी ओर देखा। हेलो, 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 औरत की आवाज ऊपर उठी और तब उसे पता चला कि यह उस स्त्री की आवाज है जो उसकी पत्नी थी। वह उसे बरसों बाद भी सैकड़ों आवाजों की भीड़ में पहचान सकता था। ऊंची पिच पर हल्के से कांपती हुई, हमेशा से सख्त, आहत, परेशान, उसकी देह की एकमात्र चीज जो देह से परे आदमी की आत्मा पर खून की खरोंच खींच जाती थी, वह जैसे उठा था वैसे ही बैठ गया। लड़की मुस्कुरा रही थी। वह हैंगर के आईने से आदमी का चेहरा देख रही थी और वह चेहरा कुछ वैसा ही बेडौल दिखाई दे रहा था जैसे उम्र के आईने से औरत की आवाज। उल्टा, टेढ़ा, पहेली सा, रहस्यमय। वे तीनों व्यक्ति अनजाने में चार में बट गए थे। लड़की, उसकी माँ, वह और उसकी पत्नी। घर जब गृहस्थी में बदलता है तो अपने आप फैलता जाता है। औरत ने लड़की से कहा, तुम जेनी से बात करोगी? और बच्ची जैसे इसी क्षण की प्रतीक्षा कर रही थी, वह उछलकर ऊपर सीढ़ी पर आ गई और माँ से टेलीफोन ले लिया। हेलो जेनी, इट इज मी। वह दो सीढ़ियां नीचे उतरी
तब आदमी उसे पूरा का पूरा देख सकता था। बैठो, आदमी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। उसके स्वर में एक बेबस सा अनुनय था, मानो उसे डर हो कि कहीं उसे देखकर वह उल्टे पांव ना लौट जाए। वह एक क्षण अनिश्चय में खड़ी रही। अब वापस मुड़ना निरर्थक था, लेकिन इस तरह उसके सामने खड़े रहने का भी कोई तुक नहीं था। वह स्टूल खींचकर टीवी के आगे बैठ गई। कब आए? उसका स्वर इतना धीमा था कि आदमी को लगा टेलीफोन पर तो कोई दूसरी औरत बोल रही थी। काफी देर हो गई, मुझे पता भी ना था कि तुम ऊपर कमरे में हो। स्त्री चुपचाप देखती रही। आदमी ने जेब से रुमाल निकाला, पसीना पोछा, मुस्कुराने की कोशिश में मुस्कुराने लगा। मैं बहुत देर बाहर खड़ा रहा, मुझे पता नहीं था घंटी खराब है, गैरेज खाली पड़ा था, मैंने सोचा तुम दोनों बाहर गई हो। तुम्हारी कार? उसे मालूम था, फिर भी उसने पूछा। स्त्री ने कहा, सर्विसिंग के लिए गई है। वह हमेशा से उसकी छोटी बेकार की बातों से नफरत करती आई है, जबकि आदमी के लिए वे कुछ ऐसे तिनके थे जिन्हें पकड़कर डूबने से बचा जा सकता था, कम से कम कुछ देर के लिए। तुम्हें मेरा टेलीग्राम मिल गया था? मैं फ्रैंकफर्ट आया था, उसी टिकट पर यहां आ गया। कुछ पौंड ज्यादा देने पड़े। मैंने तुम्हें वहां से फोन भी किया, लेकिन तुम दोनों कहीं बाहर थे। कब? औरत ने हल्की जिज्ञासा से उसकी ओर देखा। हम दोनों घर में थे, घंटी बज रही थी लेकिन किसी ने उठाया नहीं। हो सकता है ऑपरेटर मेरी अंग्रेजी नहीं समझ सके और गलत नंबर दे दिया हो। लेकिन सुनो, वह हंसने लगा, एक अजीब बात हुई। हीथ्रो पर मुझे एक औरत मिली जो पीछे से बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखाई दे रही थी। यह तो अच्छा हुआ मैंने उसे बुलाया नहीं, हिंदुस्तान के बाहर हिंदुस्तानी औरतें एक जैसी ही दिखाई देती हैं। वह बोले जा रहा था। वह उस आदमी की तरह था जो आंखों पर पट्टी बांधकर हवा में तनी हुई रस्सी पर चलता है। स्त्री कहीं बहुत नीचे थी, एक सपने में जिसे वह बहुत पहले कभी जानता था, किंतु अब उसे याद नहीं आ रहा था कि वह उसके सामने बैठा क्यों था। वह चुप हो गया। उसे ख्याल आया, इतनी देर से वह सिर्फ अपनी आवाज सुन रहा है। उसके सामने बैठी स्त्री बिल्कुल चुप बैठी थी, उसकी ओर बहुत ठंडी और हताश निगाहों से देख रही थी। क्या बात है? आदमी ने कुछ भयभीत होकर पूछा। मैंने तुमसे मना किया था, तुम समझते क्यों नहीं? किसके लिए? तुमने किसके लिए मना किया था? मैं तुमसे कुछ नहीं चाहती। मेरे घर तुम ये सब क्यों लाते हो? क्या फायदा है इनका? पहले क्षण वह समझा ही नहीं कौन सी चीजें। फिर उसकी निगाहें फर्श पर गईं। शांति निकेतन का पर्स, डॉक टिकट का एल्बम, दालचीनी का डिब्बा, वे अब बिल्कुल लुटी पुटी दिखाई दे रही थी। जैसे वह कुर्सी पर बैठा हुआ था वैसी वे फर्श पर बिखरी हुई थी। उसने खिसियाते हुए कहा, कौन सी ज्यादा है, इन्हें ना लाता तो आधा सूटकेस खाली पड़ा रहता। लेकिन मैं कुछ नहीं चाहती, तुम क्या इतनी सी बात नहीं समझ सकते? स्त्री की कांपती हुई आवाज ऊपर उठी और जिसके पीछे जाने कितनी लड़ाइयों की पीड़ा, कितने नरकों का पानी भरा था, जो बांध टूटते ही उसके पास आने लगा, एक एक इंच आगे बढ़ता हुआ। उसने जेब से रुमाल निकाला और अपने लथपथ चेहरे को पोंछने लगा। क्या तुम्हें इतनी देर को आना भी बुरा लगता है? हाँ, उसका चेहरा तन गया। तुम्हें देखना नहीं चाहती बस। क्या यह इतना आसान है? वह जिद्दी लड़के की तरह उसे देखने लगा, जो सवाल समझ लेने के बाद भी बहाना करता है कि उसे कुछ समझ में नहीं आया। उसने धीरे से कहा, वुक्कू प्लीज। औरत ने कहा, मुझे माफ करो। तुम चाहती क्या हो? लीव मी अलोन, इससे ज्यादा मैं कुछ और नहीं चाहती। तो क्या मैं बच्ची से भी मिलने नहीं आ सकता? इस घर में नहीं, उससे कहीं बाहर मिल सकते हो। आदमी ने हकबका कर कहा, बाहर? बाहर कहां? उस क्षण वह भूल गया कि बाहर तो सारी दुनिया फैली है, पार्क, सड़कें, होटल के कमरे, उसका अपना संसार। बच्ची कहां कहां उसके साथ घिसटेगी। वह फोन पर हंस रही थी, कुछ कह रही थी। नहीं, आज मैं नहीं आ सकती, डैडी घर में है,
अभी अभी आ रहे हैं। नहीं, मुझे मालूम नहीं। मैंने पूछा नहीं। क्या नहीं मालूम? शायद उसकी सहेली ने पूछा था कि वह कितने दिन रहेगा। सामने बैठी स्त्री भी शायद यह जानना चाहती थी कितना समय, कितनी घड़ियां, कितनी यातना अभी उसके साथ भोगनी पड़ेगी। शाम की आखिरी धूप भीतर आ रही थी। टीवी का स्क्रीन चमक रहा था, लेकिन वह खाली था और उसमें सिर्फ स्त्री की छाया बैठी थी। बरसों बाद भी घर, किताबें, कमरे वैसे ही रहते हैं जैसा तुम छोड़ गए थे, लेकिन लोग वे तो उसी दिन मरने लगते हैं जिस दिन से अलग हो जाते हैं। मरते नहीं, एक दूसरी जिंदगी जीने लगते हैं जो धीरे धीरे उस जिंदगी का गला घोंट देती है जो तुमने साथ गुजारी थी। वह हकलाने लगा। मैं सिर्फ बच्ची से नहीं, तुमसे भी मिलने आया था। मुझसे? औरत के चेहरे पर हंसी, हिकारत, हैरानी एक साथ उमड़ आई। झूठ बोलने की आदत अभी तक गई नहीं तुम्हारी। तुमसे झूठ बोलकर मुझे क्या मिलेगा? मालूम नहीं तुम्हें क्या मिलेगा, मुझे जो मिला है उसे मैं भोग रही हूं। उसने गहरी ठंडी निगाह से बाहर देखा। मुझे अगर तुम्हारे बारे में पहले से ही कुछ मालूम होता तो मैं कुछ कर सकती थी। एक ठंडी झुरझुरी ने आदमी को पकड़ लिया। क्या कर सकती थी? कुछ भी। मैं तुम्हारी तरह अकेली नहीं रह सकती, लेकिन अब इस उम्र में अब कोई मुझे देखता भी नहीं। उसने हाथ पकड़ लिया। वुको, मेरा नाम मत लो, सब खत्म हो गया। वह रो रही थी, बिल्कुल निसंग, जिसका गुजरे हुए आदमी और आने वाली उम्मीद दोनों में से कोई सरोकार नहीं था। आंसू जो एक कारण से नहीं, पूरा पत्थर हट जाने से आते हैं, एक ढलुआ जिंदगी पर नाले की तरफ बहते हुए औरत बार बार उन्हें अपने हाथ से झटक देती थी। बच्ची कब से फोन के पास चुप बैठी थी। वह जीने की सबसे निचली सीढ़ी पर बैठी थी और सूखी आंखों से रोती माँ को देख रही थी। उसके सब प्रयत्न निष्फल हो गए थे, किंतु उसके चेहरे पर निराशा नहीं थी। हर परिवार के अपने दुःस्वप्न होते हैं जो एक अनवरत पहिए में घूमते हैं। वह उनमें हाथ नहीं डालती थी। इतनी कम उम्र में वह इतना बड़ा सत्य जान गई थी कि मनुष्य के मन और बाहर की सृष्टि में एक अद्भुत समानता है। वे जब तक अपना चक्कर पूरा नहीं कर लेते, उन्हें बीच में रोकना बेमानी है। वह बिना आदमी को देखे माँ के पास गई, कुछ कहा जो उसके लिए नहीं था। औरत ने उसे अपने पास बैठा लिया, बिल्कुल अपने से सटाकर। काउच पर बैठी वे दो बहनों सी लग रही थी। वे उसे भूल गई थी। कुछ देर पहले जो ज्वार उठा था उसमें घर डूब गया था, लेकिन अब पानी वापस लौट गया था और आदमी वही था जहां उसे होना चाहिए था, किनारे पर। उसे यह ईश्वर के वरदान जैसा जान पड़ा कि वह दोनों के बीच बैठा है, अदृश्य। बरसों से उसकी यह साध रही कि वह माँ और बेटी के बीच अदृश्य बैठा रहे। सिर्फ ईश्वर ही अपनी दया में अदृश्य होता है, उसे यह मालूम था। माँ और बच्ची ने उसे अलग छोड़ दिया था, यह उसकी अपेक्षा नहीं थी। उसकी तरफ से मुंह मोड़ कर उन्होंने उसे अपने पर छोड़ दिया था, ठीक वहीं जहां उसने बरसों पहले घर छोड़ा था। लड़की माँ को छोड़कर उसके पास आकर बैठ गई। हमारा बाग देखने चलोगे? उसने कहा। अभी? उसने कुछ विस्मय से लड़की को देखा। वह कुछ अधीर और उतावली सी दिखाई दे रही थी, जैसे वह कुछ कहना चाहती हो जिसे कमरे के भीतर कहना संभव ना हो। चलो, लेकिन इन चीजों को तो ऊपर ले जाओ, इन्हें हम बाद में समेट लेंगे। बाद में कब? आप चलिए तो, इनसे कहो अपना सामान सूटकेस में रख ले, स्त्री की आवाज सुनाई दी। उसे लगा अचानक किसी ने पीछे से धक्का दे दिया। वह पीछे मुड़ा। क्यों? मुझे इनकी जरूरत नहीं है। उसके भीतर एक लप लपाता अंधड़ उठने लगा। मैं नहीं ले जाऊंगा, तुम चाहो तो इन्हें बाहर फेंक सकती हो। बाहर? स्त्री की आवाज थरथरा रही थी। मैं इनके साथ तुम्हें भी बाहर फेंक सकती हूँ। रोने के बाद उसकी आंखें चमक रही थी। क्या हम बाग देखने नहीं चलेंगे? बच्ची ने उसका हाथ खींचा और वह उसके साथ चलने लगा। वह कुछ भी नहीं देख पा रहा था। घास, क्यारियां, पेड़ एक गूंगी फिल्म की तरह चल रहे थे। सिर्फ उसकी पत्नी की आवाज एक भूतैली कमेंट्री की तरह गूंज रही थी, बाहर बाहर। लड़की ने कहा,
आप मम्मी के साथ बहस क्यों करते हैं? मैंने बहस कहाँ की? उसने बच्ची को देखा, जैसे वह भी उसकी दुश्मन हो। आप करते हैं। लड़की का स्वर अजीब सा हठीला हो आया था। वह अंग्रेजी में यू कहती थी, जिसका प्यार में मतलब तुम होता था और नाराजगी में आप। अंग्रेजी सर्वनाम की यह संदिग्धता बाप बेटे के रिश्ते को हवा में टांगे रहती थी, कभी बहुत पास कभी बहुत पराया, जिसका सही अंदाज उसे सिर्फ लड़की की टोन में टटोलना पड़ता था। एक अजीब से भय ने आदमी को पकड़ लिया। वह एक ही समय में माँ और बच्ची दोनों को नहीं खोना चाहता था। उसने फुसलाते हुए कहा, बड़ा प्यारा बाग है, क्या माली आता है? नहीं माली नहीं, मैं ही शाम को पानी देती हूँ और छुट्टी के दिन मम्मी घास काटती है। इधर आ, मैं तुम्हें एक चीज दिखाती हूँ। वह उसके पीछे पीछे चलने लगा। लॉन बहुत छोटा सा था, हरा पीला मखमली। पीछे गैराज था। वह चुपचाप दबे पांव पेड़ के पीछे चला आया और हैरान सा खड़ा रहा, जिसके दरवाजे से एक खरगोश बाहर झांक रहा था। वह एक काली लकड़ी का बाड़ा था, दूसरा लड़की की गोद में था। ये हमने अभी पाले हैं, पहले दो थे अब चार, बाकी कहाँ हैं? बाड़े के भीतर, वे भी बहुत छोटे हैं। पहले उसका मन भी खरगोश को छूने को हुआ, किंतु उसका हाथ अपनी बच्ची के सिर पर चला गया। वह धीरे धीरे उसके भूरे छोटे बालों से खेलने लगा। लड़की चुप खड़ी रही और खरगोश अपनी नाक सिकोड़ता हुआ उसकी ओर ताक रहा था। लड़की ने बिना सिर उठाए धीरे से कहा, पापा क्या आपने डे रिटर्न का टिकट लिया है? नहीं। ऐसा क्यों? ऐसे ही, यहाँ वापसी का टिकट बहुत सस्ता मिल जाता है। तो क्या उसने यही पूछने के लिए यहाँ बुलाया था? उसने धीरे से अपना हाथ लड़की के सिर से हटा लिया। लड़की का स्वर बिल्कुल भावहीन था। आप रात को कहाँ रहेंगे? अगर मैं यहीं रहूं तो? लड़की ने धीरे से खरगोश को बाड़े में रख दिया और खट से दरवाजा बंद कर दिया। मैं हंसी कर रहा था, उसने हंसकर कहा, मैं आखिरी ट्रेन से लौट जाऊंगा। लड़की ने मुड़कर उसकी ओर देखा, यहाँ दो तीन अच्छे होटल भी हैं, मैं अभी फोन करके पूछ लेती हूँ। लड़की का स्वर बहुत कोमल हो गया। यह जानते ही कि वह रात घर में नहीं ठहरेगा, वह माँ से हटकर आदमी के साथ हो गई। धीरे से उसका हाथ पकड़ा, उसे वैसे ही सहलाने लगी जैसे अभी कुछ देर पहले खरगोश सहला रही थी। सुनो, मैं अगली छुट्टियों में इंडिया आऊंगी, इस बार पक्का है। उसे कुछ आश्चर्य हुआ कि आदमी ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ बाड़े में खरगोशों की खटर पटर सुनाई दे रही थी। पापा तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? तुम हर साल यही कहती हो। कहती हूँ, लेकिन इस बार आऊंगी, डोंट यू बिलीव मी? भीतर चले, मम्मी हैरान हो रही होंगी कि हम कहाँ रह गए। अगस्त का अंधेरा चुपचाप चला आया था। कमरे में कोई न था, उसकी चीजें बटोर दी गई थी। सूटकेस कोने में खड़ा था। जब वे बाग में थे, उसकी पत्नी ने शायद उन सब चीजों को देखा होगा, उन्हें छुआ होगा। वह उससे चाहे कितनी नाराज क्यों ना हो, चीजों की बात अलग थी। वह उन्हें ऊपर नहीं ले गई, लेकिन दोबारा सूटकेस में डालने की हिम्मत नहीं की थी, उन्हें अपने भाग्य पर छोड़ दिया था। कुछ देर बाद जब बच्ची सोडा और ग्लास लेकर आई, तो उसे सहसा पता चला कि वह कहां बैठा है। कमरे में अंधेरा था, पूरा अंधेरा नहीं, सिर्फ इतना जिसमें कमरे में बैठा आदमी चीजों के बीच किसी चीज जैसा दिखाई दे। पापा तुमने बत्ती नहीं जलाई? अभी जलाता हूं। वह उठा और स्विच ढूंढने लगा। बच्ची ने सोडा और ग्लास मेज पर रख दिया, टेबल लैंप जला दिया। मम्मी कहाँ है? वे नहा रही हैं, अभी आती होंगी। उसने अपने बैग से विस्की निकाली जो उसने फ्रैंकफर्ट के एयरपोर्ट पर खरीदी थी। गिलास में डालते हुए उसके हाथ ठिठक गए। तुम्हारी जिंजर एल कहाँ है? मैं अब असली बियर पीती हूँ। लड़की ने हंसकर उसकी ओर देखा। तुम्हें बर्फ चाहिए? उसने कुछ और विस्की डाली, हालांकि गिलास अभी खाली नहीं हुआ था। उसे कुछ अजीब लगा कि पिछली रात भी यही घड़ी थी जब वह पी रहा था, लेकिन तब वह हवा में था। जब उसे एयर होस्टेस की आवाज सुनाई दी कि हम चैनल पार कर रहे हैं, तो उसने हवाई जहाज की खिड़की से नीचे देखा, कुछ भी दिखाई नहीं देता था। असल में कहीं भीतर कोई अंधेरा उसकी एक जिंदगी से दूसरी जिंदगी तक फैला हुआ, जिसे वह हमेशा पार करता रहेगा, कभी इधर
कभी उधर, कहीं का भी नहीं, न कहीं से आता हुआ न कहीं पहुंचता हुआ। उसने चौंक कर ऊपर देखा, वह वहां कब से खड़ी थी उसे पता ही नहीं चला था। नहाने के बाद उसने एक लंबी मैक्सी पहन ली थी, बाल खुले थे, चेहरा बहुत धुला और चमकीला सा लग रहा था। वह मेज पर रखे ग्लास को देख रही थी, उसका चेहरा शांत था। शावर ने न केवल उसके चेहरे को बल्कि उसके संताप को भी धो डाला था। उसने कहा, बर्फ भी रखी है? नहीं, मैंने सोडा ले लिया, तुम्हारे लिए एक बना दूं? उसने सिर हिलाया जिसका मतलब कुछ भी था। उसे मालूम था कि गर्म पानी से नहाने के बाद उसे कुछ ठंडा पीना अच्छा लगता था। अरसे बाद भी वह उसकी आदतें भूला नहीं था, बल्कि उन आदतों के सहारे ही दोनों के बीच पुरानी पहचान लौट आती थी। वह रसोई में गया और उसके लिए एक गिलास ले आया, उसमें थोड़ी बर्फ डाली और जब विस्की मिलाने लगा तो उसकी आवाज सुनाई दी, बस इतना काफी है। वह एक धुली हुई आवाज थी जिसमें कोई रंग नहीं था, न स्नेह का न नाराजगी का, एक शांत तटस्थ आवाज। तुम बैठोगी नहीं? उसने कुछ चिंतित होकर पूछा। उसने अपना ग्लास उठाया और वहीं स्टूल पर बैठ गई। कुछ देर तक दोनों में से कोई कुछ नहीं बोला और फिर स्त्री की आवाज सुनाई दी, घर में सब लोग कैसे हैं? ठीक है, ये सब चीजें उन्होंने ही तो भेजी हैं। औरत ने कुछ थके स्वर में कहा, मुझे मालूम है, क्यों उन बेचारों को तंग करते हो? तुम ढो ढोकर इन चीजों को लाते हो और ये यहाँ बेकार पड़ी रहती हैं। वे यही कर सकते हैं, तुम बरसों से वहां गई नहीं हो, वे तुम्हें बहुत याद करते हैं। अब जाने का कोई फायदा है? मेरा अब उनसे कोई रिश्ता नहीं। तुम बच्ची के साथ तो आ सकती हो, उसने अभी तक हिंदुस्तान नहीं देखा। वह कुछ देर चुप रही, फिर धीरे से कहा, अगले साल वह 14 वर्ष की हो जाएगी, कानून के मुताबिक तब वह कहीं भी जा सकती है। मैं कानून की बात नहीं कर रहा, तुम्हारे बिना वह कहीं नहीं जाएगी। स्त्री ने गिलास की भीगी सतह से आदमी को देखा, मेरा बस चले तो उसे वहां कभी ना भेजो। क्यों? आदमी ने उसकी ओर देखा, वह धीरे से हंसी, क्या हम दो हिंदुस्तानी उसके लिए काफी नहीं है? वह बैठा रहा। कुछ देर बाद रसोई का दरवाजा खुला, लड़की भीतर आई, चुपचाप दोनों को देखा और फिर जीने के पास चली गई जहां टेलीफोन रखा था। किसे कर रही हो? औरत ने पूछा। लड़की चुप रही, फोन का डॉयल घुमाने लगी। आदमी उठा, उसकी ओर देखा, थोड़ा सा और लोगी? नहीं। आदमी धीरे धीरे अपने ग्लास में डालने लगा। औरत ने पूछा, बहुत पीने लगे हो? आदमी ने सिर हिलाया, नहीं, सफर में कुछ ज्यादा हो जाता है। मैंने सोचा था अब तक तुमने अपना घर बसा लिया होगा। कैसे? तुम्हें यह कैसे भ्रम हुआ? औरत कुछ देर नीरव आंखों से उसे देखती रही। क्यों, उस लड़की का क्या हुआ? वह तुम्हारे साथ नहीं रहती? स्त्री के स्वर में कोई उत्तेजना नहीं थी, न क्लेश की कोई छाया थी, जैसे दो व्यक्ति मुद्दत बाद किसी ऐसी घटना की चर्चा कर रहे हों जिसने एक झटके से दोनों को अलग छोरों पर फेंक दिया था। उसने कहा, मैं तो अकेला रहता हूं, माँ के साथ। औरत ने तनिक विस्मय से उसे देखा। क्या बात हुई? कुछ नहीं, मैं शायद साथ रहने के काबिल नहीं हूं। तुम हैरान हो, लेकिन ऐसे लोग होते हैं। वह कुछ और कहना चाहता था, प्रेम के बारे में, वफादारी के बारे में, विश्वास और धोखे के बारे में, कोई बहुत बड़ा सत्य जो बहुत से झूठों से मिलकर बनता है। लड़की शायद इस क्षण की ही प्रतीक्षा कर रही थी। वह टेलीफोन से उठकर आदमी के पास आई, एक बार माँ को देखा। वह टेबल लैंप के पीछे अंधेरे के आधे कोने में छिप गई थी और आदमी वह ग्लास के पीछे सिर्फ एक डबडबाता सा धब्बा बनकर रह गया था। पापा? लड़की के हाथ में कागज का पुर्जा था। यह होटल का नाम है, टैक्सी तुम्हें सिर्फ 10 मिनट में पहुंचा देगी। उसने लड़की को अपने पास खींच लिया और कागज जेब में रख लिया। कुछ देर तीनों चुप बैठे रहे। बाहर बहुत से तारे निकल आए थे जिसमें बूढ़ा विलो, झाड़ियां, खरगोशों का बाड़ा एक निस्पंद पीले आलोक में पास पास सरक आए थे। उसने अपना ग्लास मेज पर रख दिया, फिर धीरे से लड़की को चुमा, अपना सूटकेस उठाया और जब लड़की ने दरवाजा खोला तो वह छड़ भर देहरी पर ठिठक गया।
मैं चलता हूँ, उसने कहा। पता नहीं यह बात उसने किससे कही थी, किंतु जहां वह बैठी थी वहां से कोई आवाज नहीं आई। वहां उतनी ही घनी चुप्पी थी जितनी बाहर अंधेरे में जहां वह जा रहा था। दोस्तों, टूटे हुए रिश्ते का दंश परिवार का हर व्यक्ति भोगता है, और पति पत्नी के अलग होने का दंश सबसे ज्यादा बच्चों को भुगतना पड़ता है। आशा करती हूँ कि निर्मल वर्मा की यह कहानी हमें और आपको कुछ सोचने के लिए जरूर विवश करेगी। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया।